हेलो भाई साहब, स्कूल से इन बच्चों को भी लेके चल दिए, लेकिन ये बच्चे हमारे से बहुत ज्यादा नाराज है कि भैया तुमने जीप क्यों नहीं लाया स्कूल में, ट्रैक्टर क्यों घुसा दिया। अरे इतना मैं तो पावर टेक बन जा रहा हूँ। नहीं नहीं दादा, और यहाँ पे हार्वेस्टर निकालने की तैयारी हो गई जो कि कीचड़ में गड़ रहा। हेलो भाई, मैं विवेक, और आज देखो ब्लॉग तो नहीं कर रहा हूँ, टॉमी का दोस्त आया, या दोस्तानी आ गई, भग गई मेरे को देख के। टॉमी भी फरार, बताओ कितना बदमाश है टॉमी हमारा। बाकी ब्लॉग तो देखो कल बनाएंगे पूरा अपन। आज तो ऐसे पानी गिरता रहा, तो हमने कुछ नहीं किया। शाम के हो गए 5:16। बाकी आज सिर्फ हम इसका सेल्फ मार के देखना चाहता हूँ मैं, कि जब हमने इतनी लाइट वाइट जली, जिस दिन से बैटरी चार्ज करी थी उसी दिन इसको चालू किया था। आज कितने 13 सितंबर 2023, और ये कम से कम 3-4 दिन पहले से, 5-6 दिन हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। अभी मैं सेल्फ मार देता इसका, ये गियर में ही बताओ, हैंड ब्रेक भी नहीं लगा के खड़ा किया, ये चालू होगा या नहीं। हाय हाय हाय, हो गया चालू, क्योंकि इतने दिन से मैं इसके लाइट जला रहा था, तो मैंने को लगा कि हो सकता है मैंने बैटरी को डबल डिस्चार्ज कर दिया हो, बट ये चालू है, देख ले। तू बोल रहे हो तो बैटरी खाई जाओ, कहाँ तू ही बोल रहे हो तो। बाकी इसके लिए भी एक कवर बनाना चाहिए, देखो यहाँ पे खड़े खड़े कितना गंदा हो गया। वो तो बाहर निकाल दिया था तो पानी में धुल गया, ये नहीं धुला, इसको थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। सब नए साइलेंसर की आवाज़ बहुत मस्त है, तुमको सुनो एक बारी। यो किर्लोस्कर इंजन वालो है, ओल्ड मॉडल किर्लोस्कर इंजन की आवाज सुन रहे हो, दहाड़ सुन रहे हो, दहाड़ बहुत तेज आवाज है भाई साहब इसकी। अब तो इससे ये सबसे फर्स्ट मॉडल है 855 का, जो सक्सेस हुआ था, मतलब जिसका नाम चलता था। उसके बाद में महिंद्रा इंजन वाले आ गए, अब और थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया। बाकी इसकी HP कैटेगरी बताऊं, जितनी कागज पे लिखी मिली है अपने को, ये 52 HP का है, और जो अब आ रहा है वो 50 HP का है। क्या कहना चाहोगे इसकी आवाज़ के बारे में? और मैंने कल हथौड़े चलाए थे इसके ऊपर, इसको करने के चक्कर में, तो इसमें देखो वाइब्रेशन आ गया, ये देखो मेरा हाथ दिख रहा है, थोड़ा सा तो आया बेटा। मैंने यहाँ पे जो हथौड़े मारे थे ना, नट बोल्ट टाइट करना पड़ा हुए का। भाई साहब कहीं बाहर घुमाने का प्लान तो नहीं था, क्योंकि देखो ऐसा पानी भरा है सब दूर, बहुत पानी, तो ये मिट्टी अपने खुद के ऊपर भी उड़ाएगा, और ऊपर से कहना तो कैसी लग रही, प्यारी लग रही। बहुत से भाई बोलते हैं इसको रेड करा दो, जबकि मेरे को ये वाला कलर ज़्यादा मस्त लगता है, देख रहे हो क्या प्यारा लगता है। मडगार्ड इसके ब्लैक हो जाएंगे तो और मज़ा आएगी। चमका दे, ज़्यादा घिसे भी मत, ये तो कलर उड़ ही दे तू हैं। ओहो, सब चालू इसका सिस्टम। तो पार्किंग कैसे नहीं चालू कर रहे हो तू? बैटरी चार्ज भी हो रही है और साथ में उतरनी भी तो चाहिए। यो देखो, ये लो जी, इसके अगले टायर अपोलो के डला दे क्या? क्या सोनू, अगले टायर अपोलो के डला दे क्या? अपोलो, बाकी सारी चीजें तो चल डला के देख ली अपन ने, सिर्फ एक अपोलो कंपनी के नहीं ट्राई करे तो देखेंगे। अब की बार इसमें अपोलो के ही डालते हैं ना, क्या लग रहा मस्त। ये लो भाई साहब, राधे श्याम ब्लॉगर भी आ गया, 2-3 भाई बोल रहे थे ना राधे श्याम ब्लॉगर कहाँ है, राधे श्याम का भी ब्लॉग चैनल खुलवा दो तो इसका खुलवा देंगे। और ये देखो, ये कलर देखो इसके वालों में, कलर क्या कलर है, मैं भी करवाऊंगा। राधे श्याम जी, किधर चला घूमन, किधर घूमन चला? यो छत अच्छा लग रहा नहीं? अरे हाँ, मैं इधर मस्त भुट्टे खाने में लगा हूँ, इसलिए ऐसे ही ब्लॉग नहीं बन पाता, और हम रात भर बढ़िया कुछ भी मोबाइल चला रहे, और दिन में बहुत सो रहे, और ये दोनों भोपाल जाने की बात चल रही इनकी, और मैं सुन रहा हूँ कि ये बात कम से कम 2-3 महीने से तो चल रही हो, तो कब का आयल जाना को, जही माथो लोच रो जाना को, नाम ही नहीं ली रो, अब जाऊँगा 15 का जाऊँगा, 30 का जाऊँगा, आखिर तू कब जाएगा बता ना, कब जाएगा पक्को कल? चल ठीक है, तो कल तरक छोड़ा कहूँगा ट्रैक्टर से ही, पर तू जा, चाहे ट्रैक्टर ली जा पर तू जा।
हमारे ऊपर में चढ़ा है। कहीं कहीं घुस रहा है वो। शायद घुस रहा है क्या? आपका ट्रैक्टर भाई बारिश में खड़खड़ के परेशान हो चुका है, तो आप देखो ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी बढ़िया चार्ज हो जाएगी। बस टायर थोड़ा सा घिसेगा क्या सोनू, है कि नहीं सही बात? मन की बैटरी चार्ज करना की है यार, तू हर बात में थारा के दिक्कत है, ट्रैक्टर फंस जाए तो तू रोने लग जाए। थारा का ट्रैक्टर से ज़्यादा प्यार तो नहीं है अरे? हेलो बीजी पर्सन, ब्लैक रेडियम नहीं आ रही यार इसकी, अब तो चार्ज हो गई बढ़िया, आखिर चार्ज तो पहले से थी। अब एक दिन इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, ये एक लीटर में कितने किलोमीटर चल रहा है। अभी भी आधी टंकी है इसकी। सब देखो बहुत से भाई बोलते हैं अपने कि इसमें इनमें टर्बो लगा दो, भाई इनमें वैसे ही पावर है। अब मैंने इसका देखो ब्रेक भी लगाया, यो वाला ब्रेक लगता आया, ये देखो घिसता घिसता फिर भी ये स्लिप मारता गया, न रुका न दम तोड़ा, और तीन हाई में था, तो इनमें ऐसे टर्बो अर्बो की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अपने को इसको खेती में यूज़ करना है बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें अगर ऐसी चीज़ लगाएंगे तो इसको दिक्कत आ सकती है। ये तो वैसे ही राजा है, बस यो बेवकूफ़ आदमी बैठ जाए ना तो फिर क्या करे बेचारा, ट्रैक्टर को भी देख लो, ये देख लो ऐसा बेवकूफ़ आदमी ले टूटना का कोई खिलो ना टूट जाएगो। काई बात कर रहे हो, इसको भाई साहब हमने दो बार खुला दिया, मतलब एक बार ऐसी जगह जहाँ पे ट्राली नहीं लग रही थी वहाँ पे हमने इसको लगाया, इसका पीछे का सिस्टम खुल गया लेकिन इसने ट्राली लगा दी थी। वो भी थोड़ी सी गलती ये थी हमारी कि इसका बेरिंग एक टूट चुका था जिसको हम समय से चेंज नहीं करवा पाए, और उस बेरिंग के वो लोहे के दांतों ने साला क्राउन पिनियन खराब कर दिया था हमारा। कोई बात नहीं, ये तो होता है, होता है ये तो। 10:07 अपन बढ़िया पिक्चर देख रहे हैं भाई साहब। सोनू भाई अभी भी हैरान है, काई दिक्कत है तारा के कसो घूम रो इधर उधर है अभी मैं तो भाई 12 बजे तक देखो बिल्कुल ये पंजाबी पिक्चर देखूंगा, और ये पता नहीं क्या टेंशन दे रहे अभी मिलते हैं भाई सीधा सुबह, और फिर बनाएंगे अपना बढ़िया वाला ब्लॉग। आज राधे श्याम भाई नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है प्रेम भैया। ये देखो नहीं घर में ये चीज मिल रही, मतलब आदमी नाराज है, कुछ गम में है। ओए सोना मुखड़ा। The next day. ये लो भाई सब नेक्स्ट डे, और यहाँ पे हार्वेस्टर निकालने की तैयारी हो गई जो कि कीचड़ में कट रहा। इससे हिंच दूँ क्या इसको? एक बार हिंचा था हमने और यो आदमी हो तो भोपाल जाने के चक्कर में रोई रोई होती कि महाराज मत दिखाओ को मुंह लग गो भाई की सोयाबीन जल्दी आ गई हो 95-60 वेराइटी हो तो इससे कटवा लो भाई साहब, कटवा लो। एक निकल गया है, दूजा भी चल पाया तो स्लिप मार रहा, स्लिप मार था। ये तीन और है, मतलब दो और बचे, तीसरा तो जा रहा। चलो भाई पीछे देखो, पीछे मौसम देखो, पहले तो तुम मौसम कितना तो तगड़ा, इधर देखो पानी ही पानी। हमारे यहाँ वो बन गया शिमला, ये देखो बहुत पानी, शिमला में ऐसी बारिश हो नहीं, आई डोंट नो। बाकी आज देखो बाहर कुछ अपन जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पानी गिर रहा बहुत भयंकर, तो एक यो खड़ा एक ये खड़ा, अभी ये सारे ओके हैं अपने। इसमें तो देखो लाइट डलेंगी जो कैनोपी वाली, बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए, ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है पर हो सकता है। तो अभी हम करने क्या वाले, अभी जैसे तुमने देखा कि पीछे अपना 855 की रेस अपन ने खोल रखी है बहुत ज़्यादा, और इतनी तेज़ चलाना नहीं चाहिए, मैं खुद भी नहीं चलाता लेकिन ऐसे ही कि भाई कभी कहीं का आ जाए कि चलो रेस लगा ले, या फिर रात अंधेरे में 12-1 बजे रात तक अपन मतलब ऐसे चलाते रहते, कहीं भी गए हुए
भगाना है, रात में रोड खाली है, लाइटिंग की तो कमी है नहीं, लाइटिंग अगर कमजोर है तुम्हारे ट्रैक्टर में तो भाई फिर भगाना ही मत, मतलब रोड अगर बेकार है तो। और उसके बाद में ब्रेकिंग में भी बहुत दिक्कत आती है स्वराज में, ये रुकता नहीं इतना भागने के बाद, भागता बहुत है लेकिन रुकता नहीं। टॉमी भाई भी आ गा, टॉमी मैं ये पूछ रहे थे कि रेस खोल दूं, इधर देख वो नहीं बात करो भाई साहब। तो हम अभी क्या कर रहे हैं इसकी रेस, एक मिनट बैक कैमरा से दिखाता हूँ तुमको जरा। तो भाई इसकी जैसे मैंने यहाँ से पूरी रेस दे दी तो ये 2400 RPM तक नहीं जाता है, देखो यहाँ पे इतना गैप है। और जिस जैसे कि आपको पता है कि अपन ने इसका इंजन बदला रखा है, लेकिन जिसके पास इंजन था भाई उसने आज तक इसकी देखो रेस को खोला नहीं था, नहीं तो अपनी करामत दिखाऊं तुमको। अपन इसकी रेस कितने दिन की, ये देखो खोल के रखी है। बाकी इसके पंप को छेड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं छेड़ा, और इस पंप को तो भाई इतनी बार अपन ने छेड़ा है, कभी डीजल कम कराया कभी ज़्यादा कराया, इससे बड़े बड़े इंप्लीमेंट चलाने के लिए हालांकि हमने ये हरकत करी थी। इससे हमने 60 ब्लेड का 7.5 फिट का रोटावेटर चलाया, 855 वाला, सारी 855 की चीज़ चले इसलिए हमने इसका डीजल बढ़वाया था। लेकिन देखो 855 है क्योंकि इंजन भी बड़ा है, अब इसका इंजन छोटा है ये चला तो लेगा डीजल खोल के, लेकिन ये भाई फिर तब जा कोई मतलब वाली बात नहीं है। हालांकि अभी मैं इससे बहुत सी चीज़ें का ऐसे यूज़ करता हूँ, नॉर्मल जो 35 HP उससे ज़्यादा ये डीजल खाता है, क्योंकि अपन ने इसके पंप को ऐसे छेड़ छोड़ के रखा है। अभी जब अपन ने इसके इतना छेड़खानी करी दी है तो इसकी जो रेस है इसको भी मैं खोलने वाला हूँ भाई साहब, और फिर तो मैं दिखाऊंगा कि इसकी रेस RPM कहां तक जाती है और कितना भागेगा। पानी में खैर भागने का तो क्या ही दिखा पाऊंगा। पेंचकस दा नहीं, पेंचकस ये रेस खोलते हैं और उसके जितनी खोल के रखेंगे इसमें तो भाई और ज़्यादा मतलब इसको तो थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिर भी रुक जाए एक बार। बड़ा ट्रैक्टर छोटे मोटे गड्ढे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बेचारे को इतना भगा लिया तो इसके ब्रेक इसमें नॉर्मल ब्रेक है, ब्रेक लग जाते हैं बट नॉर्मल है, तो ये समझ रहे हो क्या हो सकता है। तो इसलिए उसकी फिर खोल के तो रखूंगा मैं, देखो कभी भगाने का नंबर लग जाए तो अपना ट्रैक्टर हारना नहीं चाहिए किसी से, इसलिए खोलूंगा। और टॉमी सेट तो बैठ गया, और खोलने से दिक्कत ये है कि देखो ऐसे भगाना नहीं चाहिए, इतनी रेस पे कम चलाओ पर कम चलाओ, ज़्यादा मत चलाओ, सीधी सी बात ही होगी, नहीं तो तुम तुम्हारी रिस्क पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं। अपन ने तो एकदम का इंजन भगा भगा के चेंज कर ही लिया, कोई बात नहीं। अब जरा मैं रेस खोलता हूँ उसकी, है ना, इसमें से निकलेगा वो सिस्टम, खुल गो रे खुल गो के शान बता ही रो भाई साहब। सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा खोला है, अब देखते हैं ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है, पता चले अपन चालू करें और ये मन से चिल्लाने लग जाए। देख अभी भी नहीं पहुँच पा रही यहाँ तो, पूरा तो अभी भी नहीं है, कर देंगे, लेकिन एक बारी मैं इसको चालू करके देखता हूँ कि ये कहाँ तक रेस उठाता है। आए है तेज हो गई है, नहीं पासो कौन पकड़ के रखा वो, हमने वहां से जो कलाकारी करी दिक्कत है, डीजल का है वो, और खाली में चिल्ला है वो भी, देखो इससे अगर मैं पैर वाली से दूंगा 2400 और इससे दूंगा 2500, पर जो हाथ वाली रेस है इससे इतनी नहीं पकड़ता। कुछ कलाकारी करना पड़ेगा, एक कम करूं तो ये चेन टाइट हो गई क्या, नहीं हुई। हम इसको 6 पे लाने के चक्कर में इतनी बहुत है। अरे इतना मतलब पावर टेक बन जाओ, नहीं नहीं दादा, बाकी हमारे ऊपर के लाइट हमने देख रखे हैं कैसे लग रही है, बहुत मस्त लाइट ही लाइट होगा। छोड़ जरा छोड़ मजा नहीं आएगी, छोड़ दे इतना होना चाहिए बस, इतना अभी है, कितना है ये, अरे गियर लगाते से हूँ हो जाएगा। ये देखो भाई रेस इसके पंप की भी खोल दी, 855 की खुली थी, अब ये भी बहुत तेज भागेगा। अभी जरा यहाँ से और खोल दूँ, 1 लीटर डीजल बढ़ा के और RPM भी बढ़ा के भगाओ, कोई को बता दो मत घर की, अपन ने यूज सिस्टम कर लिया था 6 का वजह से ये डीजल मच गया, 6 का आ गया, 6 टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग
भाई साहब हम बहुत दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हो, बंद हो जा, लेकिन नहीं हो रहा। फिर भर पानी में हमको जाना पड़ रहा है। अरे लग खोल, कहाँ चलो, लग खोल यार, घूम कर आएंगा यार, हमारा टिकट तो धुल जाएगा कम से कम। अरे तू खोल रहा, इतना पानी थोड़ी दे तो खुल थोड़ी जाएगा। अरे यार गजब आदमी है यार, मखी उतर का करंदा नहीं कर रही हूँ का ही इतना पानी। बताओ यार, ये इतना बड़ा आदमी इतना सा पानी से डर रहा है यार। और ये ना हमारी सीट चोर ली, उतार दूंगा इसे। ओए उतार, जल्दी हटो वहां से, मैं चक्का का नीचे ही जाऊंगा। रोक ले, भागे चलान तो तू कहीं आ, जरा रेस के चेक करूंगा थोड़ी देर। अरे रुक जा सही में, मैंने लायो ट्रैक्टर बाहर और इन्हें बीच में से मंत्रवाजी कर ली। मजा आया बड़ा। बताओ, हम सोच रहे थे पहले कि बुलेरो को निकाले, लेकिन वहाँ बुलेरो से क्या, यो राजा है तो छत वाला। आया मजा, भगई क्यों रो, तो धीरे चला नहीं, कोई भगई ना अपना क्या, दिल्ली तो नहीं पहुँच। पानी की वजह से वो गिर गया झाड़। लेकिन यार बकरी होन का मैंने ये चीज खाता देखी थी, ये पहली बार है कि गाय होन खाई रही, तो हॉर्न बजा। जल्दी हटो गौ माता, साइड प्लीज, साइड प्लीज, प्लीज साइड। जान देनी तो अपना कौन सा फोर व्हीलर है, तो बम्फर टूट जाओ। साइड प्लीज, चलो हट गई कि नहीं। फिर बारिश के कारण तबाही मच गई, तबाही तो नहीं लेकिन ऐसी बारिश है। लेकिन यो दो तीन दिन तो हो गए बंदी ना हो रही, हम क्या करें, कब तक घर में बैठे हैं, कब तक घर में बैठे, तो तबाही नहीं है वो देख ले, वह तबाही नहीं है तो भाई है। दो ही घिस दिया रे तूने तो, टायर घोटला कर दिया। मैं सोच रहा था ब्रेक कमजोर है, लेकिन अच्छा है लग रहा आज तो। ये इस पे यही है कि जब ज्यादा लोड हो जाता 50-55 क्विंटल पीछे तो भाई थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी ऐसा में तो तुम खाली ट्राली में भी। बेटा टायर क्यों घोटला कर रहे हो, जीप निकाल के वो भी हैं, जरा स्टंट मार दूंगा ये सर। मत करा यार, गिलो कर रहे हो तू, धीरे चला धीरे। हमको अभी अभी ऑर्डर मिल रहा है कि बच्चों को लेके आओ स्कूल से। बच्चे उनका है जान दे, तू स्कूल का अंदर ही। अरे रिवर्स कहाँ, सीधो ही वाड़ देते रे यार, बताओ स्कूल का अंदर सीधो ही जान दे, सीधो ही जान दे। स्कूल वाला उनको नाश कर दी, वो तो अच्छा नाली में नहीं कूदे हो एक, तू फोर व्हीलर समझ रहे कट जाओ भाई साहब, मट्टी जुगाड़ दी ना तू। अरे अंदर जान दे नी, ये लो भाई साहब, स्कूल से इन बच्चों को भी लेके चल दिए। लेकिन ये बच्चे हमारे से बहुत ज्यादा नाराज है कि भैया तुमने जीप क्यों नहीं लाया स्कूल में, ट्रैक्टर क्यों घुसा दिया। चलो ट्रैक्टर लाए, मैडम के सामने उनकी खराब हो गई, मैडम के सामने इज्जत खराब कर दी है। तुम्हारे स्कूल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, अरे गुस्सा क्यों कर रही बेटा ट्रैक्टर, तुम तो घर तो बहुत बोले क्यों भी थी, तू तो बोल रही थी कि ट्रैक्टर पे मेरे को बैठा हो, आप नहीं मजा आ रहा, बच्चों की इंसल्ट होगी बताओ आजकल के बच्चों, मजा नहीं आ रही थी। बताओ आजकल के बच्चों को देखो, ट्रैक्टर से लेने लेके आने में सुनू भाई, दिक्कत है तो जो जीप से महंगा है। शर्म तो नहीं है, सो बड़ी चीज है, मैं भी भींज गो यार। अरे पहली बार तो अच्छा तो पानी लगे कई दिन में, ये पानी में मजा तो आ गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बालिक बालिका नाराज है अभी, ये मेरे को और बात सुनाएंगी जरा कैमरा बंद होने के बाद कि भैया हमारे साथ ऐसा क्यों। चूँकि सुनी आप, सामने से दादाजी देख रहे हैं हमारे को, वो कहेंगे चार बात से सम्मानित है कि ट्रैक्टर को ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई। हेलो भाई साहब, पानी देख रहे हो, पानी कितना तेज हो गया, बाकी अपना 735 भी आके खड़ा हो गया अपनी जगह पे, और उसकी रेस मैंने कर दी। अभी मैं इसमें भी ट्राई कर रहा था वही चीज़, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इसकी रेस को एक पत्ती लगा के थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ, जब करूँगा ना तब, अगर ये सक्सेस हो गया तब मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं। लेकिन पानी इतना यहाँ आ रहा
कि अब मैं भाई ब्लॉग दो चार दिन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये पानी में मैं क्या बनाऊं बताओ ना, मतलब पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसमें तो देखो मैंने कर दी इसकी रेस, ये देखो ये वाला नट भी नहीं कसा अभी, तो इसको कसना पड़ेगा। इसकी रेस पूरी खोल दी, और ये वाले से तो भाई इसकी रेस देखो जाती नहीं। इसका भी मैं इलाज कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अपने ट्रैक्टरों में ये चीज़ लगी है, आप देखो इतनी रेस चली गई, इससे मैं और दे सकता हूँ, ये यहाँ से मैं और रेस पूरी इसके जैसे दबाऊंगा तो पूरी उधर तक खींचती चली जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। बाकी कभी मन हुआ छेड़ने का तो छेड़ भी देंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं भाई। बाकी आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं भाई किसी और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय राम जी की।